हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के बज चुके हैं 12:15 और आज मेरी जो तबीयत है वो मच बेटर है। मनहीर भी बहुत सही है आज, उसको भी थोड़ा सा जो उसका रनिंग नोज था वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। अदरवाइज़ कल रात को तो काफ़ी तंग थी, क्योंकि ऑब्वियसली नोज अगर बच्चे का ब्लॉक हो जाए यार, अभी वो 5 महीने की है तो उसको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथ करने में। तो अभी आप में से ही काफ़ी कमेंट्स आए हैं इससे रिलेटेड कि ना मनहीर के गले में आप लहसुन की जो लहसुन की गठियाँ, हाँ लहसुन की गठियाँ मतलब 5 पिरो के धागे में गले में बांध दो, वो चेस्ट में टच होनी चाहिए और उससे नोज़ में भी जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाती है। तो अभी ये नेचुरल रेमेडी मैं यूज़ करने लगी हूँ और जो मेरी ऑयल वाली है वो तो इफ़ेक्टिव है ही। मेरे को ऑलमोस्ट मैंने 2 दिन उसको यूज़ किया है तो बहुत बहुत फ़र्क है, और अभी 1-2 दिन और करूँगी क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें बताया गया था कि 3-4 दिन लगते हैं रिकवर करने में अगर आप वो ऑयल वाली रेमेडी है वो यूज़ करोगे। तो अभी तो 2 ही दिन हुए हैं तो अभी काफ़ी फ़र्क है, तो आई होप इसका 2-4 दिन में ठीक हो जाए। अभी ये लहसुन वाली करते हैं तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। तो मम्मी लगी हुई हैं लहसुन की गठियाँ छीनने। मम्मी जब हमको जुकाम होता था तो क्या करते थे? कुछ नहीं, मम्मी कहती रुमाल लेना कि पहुँच जाते थे। जो छोटा बच्चा हो 5 महीने का तभी दवाई दवा दो। यहाँ पर मनहीर मम्मी के साथ कर रही है मी टाइम एंजॉय। ਅਪੇ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਨ। ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਹੋ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਨੀਰ ਜਦਾਉ ਮੰਮੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਜੂ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम। मैं कर चुकी हूँ, भूल जाती हूँ यार। सो अभी ना मैं काइंड ऑफ 15 मिनट होके हटी हूँ क्योंकि मनहीर अपनी क्योंकि मनहीर अपनी ना नींद पूरी कर लेती है दिन दिन में, जब सोने का टाइम आता है लाइक दोपहर को खाना खाने के बाद तब वो सोती नहीं है। फिर आज मैंने ना बेबी म्यूजिक लगा दिया, म्यूजिक लाता मैं ते मैं ना आए सर ते हाथ मलन लगी फिर सोंगी, फिर आधा घंटा सोई तो आधा घंटा फिर मैं भी सो गई, मतलब आधा क्या 15 मिनट ही सोई यार। ऑन ऑफ इसका होता है कि कैप दी हुई है ना, कई बार कैप इसके आंखों में आ जाती है तो मेरे को फिर उसको ऊपर करना पड़ता है, नहीं तो ये जग जाती है। तो मेरा थोड़ा ऑन ऑफ ही होता है सोना। तो अभी उठ गई है, आपको मेरी आवाज़ भी दिख रही होगी, आवाज़ भी मेरी भारी होगी ना। सो अब मैं करूँगी अपनी कुछ गरारे वगैरह क्योंकि मेरे को काढ़ा, क्योंकि मुझे भी टेंशन है कि मेरे को ठीक ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फीड ले रही है, तो फिर वही है ना कि उसको तकलीफ ना हो, वो अभी बेटर है मनहीर। तो अभी चाय बनाती हूँ पहले अदरक वाली और फिर घुमाई करेंगे। मनहीर फिर घूमी घूमी करेंगे, ठीक है? घूमी घूमी करोगे? घूमी घूमी पता लग गया रिकॉर्डिंग हो रही है, घूमी घूमी करेंगे, घूमी घूमी करेगा मेरा बेटू। ओह आज पूरा खाली हो गया। कपड़े भी धोते हैं? कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए क्या? नहीं से वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी मैं कहां पता नहीं चला कि घूम जा जोड़े आने से ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। कॉम्प्लीमेंट मिला लड़की को, कॉम्प्लीमेंट मिला है ना।
लत मार के मच्छर नहीं थले नु ना निकल जाए। इसकी हाइट की तो बन हो ही गई है अभी। इसकी हाइट की मतलब ये लंबी हो गई, पूरे पैर एंड तक आ रहे हैं सर पीछे। अभी बैठाने वाला हो जाएगा इसका फिर शुरू। फिर वो शुरू होएगा इसका साइकिल। कैसे होते हैं नेक्स्ट ईयर आएंगे हम लोग मार्च अप्रैल में। तो पहले चलने तो लग जाएगी क्या? पहले से आई डोंट नो शायद। लेट्स सी किधर पिकअप करती है जल्दी। विल सी। चल चल घुमाओ घुमाओ स्टॉप मत हो। हां कर लिया है मम्मी सारा ले जाते हैं अंदर सारा ले लिया थे ओथे ले जाना मैं देखो कि कितने खिंच के हैं। मम्मी दे विश पूरी होगी रेडी वाली है ना। हां मतलब लगा करना ना देखो है ना। हां साफ रास्ता का पूरा गेट कौन टपाऊगा? येना गेट आ वाला ये गेट तो टपा दिया तुसी है मम्मी। इत्थे कुछ ला लो पूरा बंजर बंजर पियागा। कुछ सब्जियां बीज लो ऑर्गेनिक। अजकल सारिया सब्जियां दे विच तुहानू पता किन्ना कुछ मिलावट हुंदी है। इन्नी जगह हैगी है पहले वधिया साग पुदीना पता नहीं की लग्या हुंदा सी। आ भी हुण देख लो ये भी इन्ने भरे हुंदे सी हैं। फिर हुण कट दो फिर नवा लवा लो। किथे आ मेरे कौन से है? मेरे चिट्टे क्यों पै गए? गड्डी चला रहे हो? डांस करो नाच करो क्यों देख रहे हो? पापा करता हूँ देखना है ना है? वो तेरा डैडी एकड़ करता हूँ ना। डैडी तो कॉमेडी डांस करता हूँ कॉमेडी है ना। ना बाबा कहते हैं कि वो तो क्योंकि डैडी हम थोड़ा जा हो गया पुराना वर्ड हम पापा चल रहा पॉपसी हो गया पाप डैडी डैड हो गया डैडी तो डैड हो गया डैडी मतलब खतरनाक वो पापा मतलब लोलू पोलू जी नानू है मैं क्या आउटफिट फोटो खिंच लाने खिंचनी चाहिए नहीं ठीक है वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है बरसात भी आकर चली गई बादल भी बरस कर बरश गए चक्कर दी अब दी पट चक के बाहर निकल आई लव यू हो गया ना सबते ये कह दी एदा यहां भी मेरे नाल गल्ला करी जाओ करी जाओ बस ये तक नहीं टेंशन चाहिए चाहिए ना मतलब बिल्कुल ना गल्ला करी जाओ करी जाओ करी जाओ इसका एक फेवरेट सॉन्ग है जब भी हम इसको वो गाते हैं तो ये हंसती हंसती है जो भी पापा ने गाया अभी गाते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में चांद सा मुखड़ा रहता है
अब ये जब भी ये गाना गाएंगे ना, इसने हंसने हंसना है, इसका फेवरेट सॉन्ग हो गया है। अगर ये सैड भी होगी ना, ये गाना गा दोगे हंस देगी। क्या हो रहा है ये? ओह रोलर फेर देना डैडी लगता है। अच्छा मॉइस्चराइजर। अच्छा वो खुश्की होगी ना विंटर की वजह ना। हाँ